Good morning and welcome back to another day, another video. Hope सब आप सब बिल्कुल सही होंगे. स्किन केयर भी करना चालू कर दोगे, नहीं कर दोगे तो यार कर दो, कर लो, आपके फायदे की बात बोल रहा हूँ. तो वैसे वीडियो के बारे में आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा. स्टिल वीडियो को शुरू करने से पहले मैं वही चंद शब्द जो हर बार कहता हूँ कि चैनल पे अगर जो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करिएगा. तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं. आज का हमारा टॉपिक है स्किन केयर का सबसे एसेंशियल, आई वॉन्ट से कि सबसे एसेंशियल बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्किन केयर रूटीन इज योर सीरम्स. मार्केट में बहुत 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 सारे सीरम अवेलेबल्स हैं, वाइटामिन सी सीरम, नाइसिनामाइड, साइसिलिक एसिड और भी पता नहीं कितने सारे, लेकिन हमको कौन सा यूज करना चाहिए, एज अ बिगिनर आप किससे स्टार्ट कर सकते हैं, दैट टोटली डिपेंड अपॉन योर गोल. लेकिन सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा यूज होने वाला सीरम है जैसे जिस वाइटामिन सी सीरम. सबसे पहले शुरू करते हैं बेनिफिट्स ऑफ वाइटामिन सी सीरम. सबसे पहला बेनिफिट है कि ये हार्मफुल बैक्टीरिया से फाइट करता है. दैट इज आपको जो एक्ने होते हैं, पिंपल्स होते हैं, वो आपके फेस पर बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया की वजह से होते हैं. तो जब वाइटामिन सी सीरम को यूज करते हो तो ये हेल्प करता है उन बैक्टीरिया से फाइट करने में. सेकेंड बेनिफिट है कि ये आपको एक प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड करता है सन की UVA UVB रेस से, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनलाइट का नहीं हो पाता और आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है. थर्ड इज ये आपको ग्लोइंग एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है. टाइम टू टाइम पोल्यूशन, डर्ट, केयर ना करने की वजह से हमारी स्किन के ग्लो कम हो जाता है, हमारी स्किन की ब्राइटनेस भी कम हो जाती है और स्किन अनइवन होनी चालू हो जाती है. तो हम इसलिए यूज करते हैं वाइटामिन सी सीरम ताकि हमारे स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट मिले, हमारे स्किन थोड़ी इवनली दिखाई दे और ग्लोइंग इफेक्ट हमारे को प्रोवाइड मिले. बहुत हो गया अब उसके बारे में बातें करना, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस को अप्लाई किस तरीके से करना है, कब अप्लाई करना है और मैं कौन सा वाइटामिन सी सीरम यूज कर रहा हूँ. फॉर द टाइमिंग आई एम यूजिंग दिस वाइटामिन सी सीरम फ्रॉम प्लम. इट कंटेन्स 15% वाइटामिन सी सीरम जो बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा. अगर जो आप बिगनर हो तो आपको ये यूज करना ही करना चाहिए. आप बिगनर हो, आपको नहीं पता कौन सा वाइटामिन सी सीरम यूज करना है तो आप ये सीरम के साथ स्टार्ट कर सकते हैं. आपको बताऊंगा कि इसको अप्लाई किस तरीके से करना है. आपने जस्ट इस ड्रॉपर को ओपन करना है, फिल कर लेना है और अपने स्किन पर आपने अप्लाई करना है बाय द वे ऑफ ड्रॉप्स. सी इस तरीके से 1, 2 and 3, that's it. आपको इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना. फिर आपने इसको मसलना नहीं है, सबसे पहला पॉइंट. आपने इसको मसलना नहीं है, आपने इसको बस पहले फैला देना है हल्का सा पूरे फेस पे. इस तरीके से आपने इसको अपने पूरे फेस पे फैला देना है. अब इसको मसलने मत लग जाना, ये क्रीम नहीं है, ये सीरम है. आपने इसको डैब 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 करके एब्जॉर्ब होने देना है अपने पूरी स्किन पर. ये ज्यादा से ज्यादा 30 टू 40 टू 50 सेकंड्स में अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा, नहीं तो एक मिनट के अंदर अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा. विद अ फ्यू सेकंड्स या एक आध मिनट तक ये पूरा आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा. अब वाइटामिन सी सीरम लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप सनस्क्रीन से आपको छुटकारा मिल गया. आपको सनस्क्रीन भी अप्लाई करनी है बट ये एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड कर देता है. प्लस प्रोटेक्टिव लेयर के बाद में आपको ब्राइटनिंग लुक भी प्रोवाइड देता है और आपके स्किन का जो एक्चुअल कलर है, जो आपके स्किन का जो कलर आप डेड स्किन की वजह से या फिर यूं कहो कि डार्कनेस की वजह से या डार्क पिगमेंटेशन की वजह से बिल्कुल चला गया था, ये उसको वापस लाने में भी हेल्प करता है. ये तो हमने बात कर ली कि वाइटामिन सी सीरम के बेनिफिट्स क्या हैं, कौन सा सीरम अप्लाई करना चाहिए और किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए. लेकिन एक पॉइंट जो हम मिस कर चुके हैं वो है कि हमको इसको अप्लाई करना कब है. 90% वाइटामिन सी सीरम्स आर एप्लीकेबल इन द मॉर्निंग टाइम ओनली, कि उनको हम दिन में अप्लाई करते हैं. बट कुछ वाइटामिन सी सीरम ऐसे भी होते हैं जो उनको आप दिन में भी और रात को भी अप्लाई कर सकते हो. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको दिन में दो बार अप्लाई करने लग जाओगे. नो, आपको दिन में एक बार ही अप्लाई करना है. इधर आप मॉर्निंग में अप्लाई कर रहे हो, विच इज द बेस्ट वे एंड द बेस्ट टाइम टू अप्लाई वाइटामिन सी सीरम. इधर नाइट टाइम रूटीन में छोटी सी वीडियो थी वाइटामिन सी सीरम पे. होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए. यार हम ग्रो करना चाहते हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अगर जो आपका सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा ना, अगर आप वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दोगे अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ, तो हम भी थोड़ा सा ग्रो कर पाएंगे. तो इसी पे हम वीडियो को एंड करते हैं. होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे. कमेंट सेक्शन में बताना आपको स्किन केयर का कौन सा पार्ट चाहिए या कौन सा प्रोडक्ट आपको चाहिए जिसको हम बताएं कि उसका क्या बेनिफिट्स है और उसको किस तरीके
तरीके से अप्लाई करना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने सजेशन लिखते रहिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी है, किस तरीके से आपको चेंजेस भी करना तो भी हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। गुड बाय, सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।